हेलो दोस्तों, मैं मुख्तियार सिंह, यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर हिसार से। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जिसे कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, या आप कह सकते हो जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो जलवायु वर्गीकरण जो हमारे कोपेन, व्लादिमीर कोपेन के द्वारा जो दिया गया है, उसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। तो व्लादिमीर कोपेन के बारे में आपने सुना है, बहुत ही एक अच्छे क्लाइमेटोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने एक पूरे विश्व के ऊपर जो जलवायु वर्गीकरण दिया है। जलवायु वर्गीकरण जब इन्होंने दिया था, अगर हम उसके डिटेल से अगर पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से देखा जाता है, तो इन्होंने सबसे पहले 1900 में, फिर इन्होंने 1918 में, फिर इस तरीके से 1931 में, और लास्ट में आते आते 1953 में इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में सुधार करते करते 1953 में इनका लास्ट मॉडिफिकेशन था। किंतु जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इसको अगर देखा जाए, अब पूरे वर्ल्ड को अगर देखा जाए, तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो क्लाइमेट का फिनोमिना है, वो सभी जगह अलग अलग है। इन्होंने जिसके आधार पर पूरे वर्ल्ड की जो जलवायु का वर्गीकरण ये करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपने इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को एक सर्कुलर, जैसे क्योंकि पृथ्वी गोल है, आपको पता है, इस तरीके से इन्होंने अपना कटिबंध बताने की कोशिश की कि ये सपोज आपका इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, इस तरीके से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो हाई लेटिट्यूड में, ठीक है, और ऐसे जाते जाते आप ऊपर की तरफ जाओगे। तो इसने कहा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ए लगेगा, ऐसे ऐसे आप 23.5 डिग्री या अयनवर्ती क्षेत्रों में जाओगे तो बी लगेगा, टेम्परेट रीजन में जाओगे तो सी लगेगा, अगर आप थोड़ा सा और 50 से 60 डिग्री के आसपास जाओगे तो आपका डी लगेगा, और आप पोल की तरफ जाओगे, आर्कटिक लाइन से ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपका ई यानी पोलर क्लाइमेट लगेगा। इसने क्या माना कि आपका 0 डिग्री या भूमध्य रेखीय से आप 90 डिग्री पोल की तरफ जा रहे हो, तो आपका अल्फाबेट का जो ऑर्डर है वो आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसने ए से लेके ई तक 5 बड़े अल्फाबेट का यूज किया है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी वर्डिंग ली है, किंतु वो एक छोटे जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, वो इस तरह की वर्डिंग है, वो हम अलग से पढ़ेंगे इसीलिए। किंतु पूरे एक बार जो जोन बांटेगा ये ए बी सी डी ई, इसके आधार पर बांटेगा। जब इन्होंने अपना ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था, तो किस विद्वान को बेस मान के दिया, कैंडोल को। कैंडोल को बेस मान के इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने क्या था, कैंडोल का था वेजिटेशन क्लासिफिकेशन, वेजिटेशन वेजिटेशन क्लासिफिकेशन जो दिया गया था आपका वनस्पति वर्गीकरण, तो आप समझ सकते हो जो 1874 में दिया गया था, तो इसको बेस मान के दिया था कैंडोल ने। जब वेजिटेशन क्लासिफिकेशन दिया था, उसने इस तरीके से ही माना था कि जैसे आप यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन की बात करोगे, तो आपका मेगा थर्मल आपकी क्लाइमेट या वेजिटेशन पाई जाती है, मेगा थर्मल, फिर आपका इसके बाद में जेरोफाइटस, जेरोफाइटस या आप एक्स से भी बोल सकते हो, जेरोफाइटस मृदभिद बोलते हैं जिसको, जैसा भी आप थोड़ा समझना चाहो, जेरोफाइटस, फिर आपका मेसोफाइटस जो हमारा टेम्परेट रीजन आएगा, मेसोफाइटस या मैसा थर्मल, मेसोफाइटस या मैसा थर्मल, इस तरीके से आपका माइक्रो माइक्रो थर्मल, और फिर आपका हैकिस्टोथर्मल जो आपके ठंडे क्षेत्रों की तरफ पाई जाती है, अल्पाइन जो वेजिटेशन है, हैकिस्टोथर्मल। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इस तरीके से देने का, ये आपका कैंडोल का था, इसको बेस मान के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया व्लादिमीर कोपेन ने। और ध्यान रखना व्लादिमीर कोपेन क्या कहते हैं, क्योंकि जब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, एक एम्पेरिकल मेथड से दिया था, थार्नोवेट का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो भी आपका एम्पेरिकल है, और आपके कोपेन महोदय का भी क्या है, आपका एम्पेरिकल है। तो इन्होंने जब अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया, तो इन्होंने तापमान और वर्षा को मुख्य दो तत्व माने। इन्होंने इन्होंने कहा कि आप मान के चलिए किसी क्षेत्र में गए हुए हो, और क्षेत्रफल किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पे आप वहां की वनस्पति देख के ये पता कर सकते हो कि यहाँ पे किस तरह की सॉइल रही होगी, यहाँ पे कितना रेनफॉल रहा होगा, यहाँ पे कितना टेम्परेचर मिला होगा, कितना प्रेसिपिटेशन होता होगा। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं कि आपके सामने बिल्कुल छोटे पत्तों वाले पेड़ पौधे, जैसे झाड़ी है, किक्कर है, जांडी है, कुछ इस तरह का ले लिया, फिर मैंने आपके सामने जैसे चौड़े पत्ते वाले लिए, बड़, पीपल, नीम जैसे ले लिए, फिर मैंने आपके सामने
सांगोन, चीड़, देवदार इस जैसे पेड़ या अशोक जैसे पेड़ आपके के पत्ते आपने सामने रखे, तो आपने क्या देखा कि जो अशोक, चीड़, देवदार है वो बिल्कुल कठोर और नुकीला पेड़ पत्ता है उसका। अगर मैंने बड़, पीपल जैसे पेड़ पौधों के पत्ते आपके सामने रखे, आपने देखा कि चौड़ा पत्ता है, और जांडी, कीकर, झाड़ी जैसे मैंने पेड़ पौधों के आपके सामने पत्ते रखे तो आपने देखा बिल्कुल छोटा पत्ता है। तो आपने देख के क्या कहा कि जहां पे झाड़ी है, कीकर है, जांडी है, उनके पत्ते छोटे होते हैं, उनका तना बड़ा सूखा हुआ होता है, तो उसको देख के आप क्या कहोगे कि शायद यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता होगा, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता होगा, यहाँ पे सॉयल है वो सैंडी सॉयल टाइप की सॉयल रही होगी। तो इसका मतलब आप कहोगे लास्ट में कि ये शायद थार डिजर्ट, या मेरा कहना है किसी भी एक डिजर्ट एरिया की वेजिटेशन हो सकती है। और जब मैंने चौड़े पत्ते वाली बात को देख के आपका क्या कहोगे कि ये शायद कोई टेम्परेट रीजन रहा होगा, यहाँ पे गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी रहती होगी, रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास जरूर रहता होगा। आप है जो मैंने बताया देवदार, चीड़, साल वाला, जो साल जैसे पेड़ पौधों के अगर पत्ते देखोगे वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड मीन ठोस होते हैं, थोड़ा सा मजबूत होते हैं, नुकीले होते हैं, या कहने का मतलब अगर आप तना उसके पत्तों को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा मजबूत सा पत्ता है, मोटा पत्ता है। उस पत्ते को देख के आप क्या कहोगे कि ये पत्ता शायद कोल्ड क्लाइमेट में रहा है, क्यों? क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि पत्ता आपका धीरे धीरे मोटा होना जाता है, हो जाता है, और नुकीला होने का कारण ये कि वहां पे स्नोफॉल होती रहती है, स्नोफॉल होने के कारण जो पानी होता है आपका मेल्ट होकर नीचे की तरफ चलता है, तो उसके कारण उसका साइज है वो घिस घिस के आपका नुकीला बन जाता है। तो उन पत्तों का साइज आप देख के कह सकते हो कि आपका अगर कोई पत्ता आपका इस टाइप से है तो आप कहोगे कि शायद ये, अगर ये मोटा है तो आप कहोगे ये आपका कोल्ड क्लाइमेट का होगा, अगर आपका पत्ता इस तरीके से हो तो आप कहोगे मैसो का है, अगर आपके पत्ते इस तरीके से हैं, कांटेदार हैं, छोटे छोटे हैं, तो आप ये जेरोफाइटस क्लाइमेट का या मरुद्भिद वनस्पति का वेजिटेशन हो सकती है। तो इन सब को बातों को ध्यान मान के वो क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देंगे। तो ये आपने इसके बारे में समझना है जो इसको हम डिटेल से करेंगे। आपकी यूजीसी एनटीए नेट के अंदर यूजी पीजी में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि यूजी पीजी की तो बात करें तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके 5-6, तो उसके अंदर भी 10 क्वेश्चन भी आते हैं कई जगह, तो उसके अंदर भी आपका कई बार इस तरह की नोटेशन दे देता है वो, जैसे सीएस लिख देता है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, एएफ लिख देता है, तो 2 नंबर में एक्सप्लेन करना होता है, बड़ा भी आता है हर बार, नेट, जेआर, पीजीटी, एसटेट, एचपीएससी, आरपीएससी सभी के अंदर आपका मेन क्वेश्चन रहता है। तो मैं इसकी सारी बातों को लेके चलूंगा, आपने समझना है, फिर मैं इनके जो ये शॉर्ट वर्डिंग जो इसने कुछ ऐसे डिजिट लिए हैं इसको भी समझेंगे, फिर हम इंडिया के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, वर्ल्ड पे देखेंगे। तो देखिए जब ये स्टार्टिंग में इन्होंने अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था, प्रकाशित किया था, तो प्रकाशित करने वाला जो ये रहा इनका स्टार्टिंग में 1900 रहा, 1900 में इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया, किंतु जब इन्होंने पब्लिश किया तो इसके अंदर कुछ एरर रही, तो इन्होंने दोबारा इसको मॉडिफाई किया और 1918 में इसको सेकेंड टाइम पब्लिश किया। फिर 1931 में इनकी एक बुक आई थी, ध्यान रखना, जो जर्मन भाषा में है, ग्रुंड रिस डर क्लाइमा कुंडे, ग्रुंड रिस डर क्लाइमा कुंडे, जो आज तक कभी नेट में, एग्जाम में या कहीं भी नहीं पूछी गई है, किंतु पूछी जा सकती है, ग्रुंड रिस डर क्लाइमा कुंडे का संबंध किस विद्वान से है, कोपेन से है। और 1953 में इनकी बुक आई है, सॉरी बुक क्या लास्ट का जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जिसमें ये तीन चार जो स्कॉलर हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, इसको साथ देंगे, और ये लास्ट में ऐसा मॉडिफाइड आपका क्लासिफिकेशन रहेगा कि आज तक इसकी कोई आलोचना ही नहीं कर पाया अब, क्योंकि इसमें इन्होंने ऐसा कोई क्लाइमेटिक फिनोमिना ही नहीं छोड़ा कि जिसको हम ये कह सकें कि वर्ल्ड में इस एरिया में ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है लास्ट में इसने इतनी वैल्यू पुट की, क्योंकि ये भी बड़ा तंग हो चुका था बार बार इसको मॉडिफाई करके सभी तरह की वैल्यू डाली, ये अगर ऐसा क्लाइमेट है तो आप इसमें ये डालिए, ऐसी है तो आप ऐसा ऐसा कीजिए, क्योंकि जो ये वर्ड अगर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे तो आप कहोगे कि वास्तव में कोपेन ने बहुत ही अच्छे स्तर पे काम किया है। तो देखिए 1953 में गीगर, पोही, कोपेन, पाल ये बंदे इसके साथ रहेंगे और लास्ट का मॉडिफिकेशन रहेगा। तो आपने एक तो ईयर इसको ध्यान रखना है, तो कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका 1953 ही आपने बताना है इसका जिस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, क्योंकि मेन वही है जो आज हम पढ़ते हैं इसको। तो इन्होंने मेनली 4 बड़े डिजिट लिए हैं, ए बी सी डी ई, इसको आपने समझना है। मैंने बताया था ए आपका क्या है, उष्ण कटिबंध जलवायु के लिए रहेगा, बी आपका क्या रहेगा,
शुष्क जलवायु के लिए रहेगा, सी आपका शीतोष्ण कटिबंध में आएगा, डी में थोड़ा जाओगे तो आप शीत क्षेत्र की तरफ गए हुए हो, और ई में बिल्कुल पोलर क्लाइमेट रहेगी। तो इसके बारे में आपने कुछ बातें हैं, देखिए ई ए है जो आपका उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु, आप क्या कह सकते हो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट यहाँ पे कहता है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, परंतु वहां पे हर रोज 2 बजे के बाद बारिश होती है, इसलिए रेनफॉल है, रेनफॉल होता है तो वहां की हवा में क्या है नमी की मात्रा है, इसलिए आप क्या कह सकते हो कि वो ट्रॉपिकल एरिया हो, और जहां पे आपका हवा में या वहां के एनवायरमेंट में नमी हो तो आप क्या कहोगे उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यहाँ पर एवरेज मंथली जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, एवरेज मंथली टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। अगर इसकी हम बात करें तो आपको मैंने अभी अभी बताया भी था, मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है ये आपका क्या रहेगा ए रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो उष्ण कटिबंध शुष्क जलवायु ये आपका क्या रहेगा, इसने कहा ट्रॉपिकल है परंतु ड्राई है, ट्रॉपिकल है परंतु क्या है ड्राई है, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। तो यहाँ पे आपके माइंड में आना चाहिए मरुस्थलों की बात कर रहा है, जो अयनवर्तीय क्षेत्र है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो उस जो रीजन में आएगा तो आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो रीजन है, तो यहाँ पे आपका बी लगेगा, ठीक है जी, यहाँ पे बी लग जाएगा। और देखिए फिर इसने क्या बताया, सी शीतोष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु, इसने कहा कि टेम्परेट है परंतु वेट है, टेम्परेट यानी हमारे वाला जो रीजन है 30-35-40 डिग्री के आसपास का जो रीजन है वो आपका टेम्परेट में आएगा, तो आपका शीतोष्ण कटिबंध आर्द्र यानी टेम्परेट वेट क्लाइमेट। यहाँ पे अगर बात की जाए, क्योंकि अगर हम जैसे हिसार से हैं तो हिसार आपका 33 डिग्री के आसपास पड़ता है, तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो तापमान है सर्दियों में अगर देखा जाए तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, परंतु देखिए मैंने बताया 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है परंतु -3 से ज्यादा होता है, यहाँ पे तापमान ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए या कम से कम, मेरा कहने का मतलब देखिए सर्दियों में तापमान ज्यादा से ज्यादा 18, किंतु अगर कम होने की बात आती है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, किंतु 0 आज तक कभी नहीं हुआ, 0 पॉइंट समथिंग हुआ है, 0 होने पर ये मान के चलो बर्फ जम जाती है, किंतु इसने कहा क्या कहा कि सर्दियों में तापमान आपका -3 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पता है -3 से ज्यादा का मतलब, -3 से ज्यादा का मतलब 0 भी -3 से ज्यादा होता है, 1 भी -3 से ज्यादा होता है, किंतु 18 से कम होता है सर्दियों के दौरान तापमान, और गर्मियों में आपको पता है तापमान यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता ही रहता है गर्मियों में, तो यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर 18 से कम होगा परंतु -3 से ज्यादा होगा। अगर गर्मियों का मैं आंकड़ा लिखूं तो आप कहोगे यहाँ पे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है जो टेम्परेट रीजन में होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में सर्दी होती है गर्मियों में गर्मी होती है, तो ये आपका क्या रहेगा फिर आपका टेम्परेट क्लाइमेट में सी, ऐसे ही सेम दोनों जो आपके गोलार्ध है वहां पे सी लग जाएगा, ऐसे ही फिर डी शीत आर्द्र जलवायु, यहाँ पे क्या होगा कि कोल्ड है परंतु वेट है साथ में, तो ये आपका क्या रहेगा कोल्ड एंड वेट, क्योंकि ये सब पोलर है आपका, यहाँ पे भी डी लगेगा और आपका यहाँ पर भी डी लगेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या रहेगा फिर जो जहाँ पे डी लगा था, क्योंकि यहाँ पे -3 से ज्यादा था सर्दियों में, यहाँ पर तापमान -3 से कम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ इंडिया के मामले में, जैसे आपका मेघालय है असम है, ठीक है, इस एरिया में क्या है सर्दियों में तापमान -3 से नीचे चला जाता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से हवाएं उठ के उस एरिया में जाती है तो नमी बढ़ जाती है, बारिश होती है, टेम्परेचर वैसे भी गिर जाता है, तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं वहां पे तापमान सर्दियों में क्या होता है -3 से नीचे चला जाता है, तो उस तरफ में हम डी लगाते हैं। तो वार्मेस्ट मंथ टेम्परेचर 10 से ज्यादा होता है किंतु 18 से कम होता है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट की बात की है मैंने, 7 सिस्टर स्टेट की बात की है, 10 से ज्यादा रहेगा 18 से कम रहेगा, तो वहां पे डी लगा सकते हैं, और गर्मियों की बात है ये, किंतु सर्दियों में तापमान -3 से कम होता है। ऐसे ही अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे ध्रुवीय जलवायु पोलर क्लाइमेट आप कह सकते हो, यहाँ पर गर्मियों में अधिक से अधिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है, अधिक से अधिक, क्योंकि अगर आप नॉर्थ पोल की बात की जाए जब सूर्य उत्तरायण होता है कर्क रेखा पे होता है तो आपका तापमान क्या होता है 10 डिग्री मैक्सिमम होता है गर्मियों में, अदरवाइज तापमान आपका -67 डिग्री तक चला जाता है। तो वैसे अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूँ, लेह लद्दाख हमारा क्या है पोलर क्लाइमेट है, तो
आपने ध्यान रखना ये आपका ई है। तो इस तरीके से इसने ए बी सी डी ई नॉर्थ हेमिस्फीयर, सेम कंडीशन आपका साउथ की तरफ रहेगी, ये हमने समझना है इसको अच्छे तरीके से। और एक खास बात क्या है इसके अंदर, अगर देखा जाए ए है आपका, सी है, डी है और ई है, ये आपके तापमान के सूचक हैं, तापमान के ऊपर आधारित हैं। जबकि जो बी है, अगर बी की बात करें, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम है, रेनफॉल कम होगा तो आपको पता है तापमान बहुत ज्यादा होगा, वेपोरेशन मैक्सिमम होगा, प्रेसिपिटेशन इज वेरी लेस, यानी रेनफॉल बहुत कम है जबकि वेपोरेशन मैक्सिमम है। तो आपने इसके ऊपर समझना है ए सी डी ई बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड बी ऑन वेपोरेशन। फिर देखिए आपने क्या है, अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे डिजिट ले रहा हूँ, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल ए का मतलब है गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, यहाँ पे तापमान अधिकतम अगर देखा जाए, अधिकतम जैसे हमारे जून जुलाई की अगर बात करें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है। बी में क्या होगा, ग्रीष्म काल, थोड़ा सा शीत काल, यानी इसमें ग्रीष्म काल में थोड़ी सी शीतलता आ जाएगी। सी में क्या होगा, गर्मियों में आपकी अगर देखा जाए और ज्यादा, यानी ग्रीष्म ऋतु छोटी हो जाएगी। और आपका देखिए यहाँ पे मैंने बताया ए में क्या है, ग्रीष्म काल बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ पे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है गर्मियों के महीने में। बी में क्या होगा, ग्रीष्म काल में थोड़ी सी शीतलता आ जाएगी, ठीक है। जबकि सी में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु बहुत ही छोटी हो जाएगी, शीतलता बढ़ जाएगी। और डी में तो आपका बहुत ज्यादा, यानी शीत ऋतु का बहुत ज्यादा आगमन होगा, जहां पे डिसीडियस फ्रॉस्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे ही ये जो चार जो वर्ड हैं, ये आपके क्या हैं, बढ़ती गर्मी से कम गर्मी की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है, फिर थोड़ी इससे कम है, करते करते यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी, फिर कम गर्मी, फिर बहुत कम गर्मी, और फिर आपका ठंडा क्षेत्र आ जाता है। समोल एफ का मतलब है फुल रेन, आपने ध्यान रखना है क्या रहेगा, फुल रेन। फिर समोल जी का मतलब है वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु, वर्षा से पहले क्या होगा, वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बरसात होने से पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। समोल एच का मतलब होता है हॉट, कि बहुत ज्यादा तापमान है। कैपिटल एच का मतलब होता है हिली एरिया है, ठीक है, तो आपने समझना है। समोल आई का मतलब है कि यहाँ पर जो गर्मियों और सर्दियों का जो तापमान का जो अंतर है वो 5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम है। क्या कहोगे, जैसे कि अगर हम वेस्टर्न घाट की बात की जाए, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की, सह्याद्री की अगर बात करें, मुंबई जैसे शहर की बात करें, यहाँ पर आपका सर्दी और गर्मियों में तापमान 5-4 डिग्री रहता है। जो अंतर अंतर की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में मान के चलिए 26 है, तो सर्दियों में आपका 22-23, 22-23, तो 5-4 डिग्री का अंतर रहता है। अगर ऐसा कोई एरिया हो तो आप स्मॉल आई लगा सकते हो। स्मॉल एम का मतलब होता है मानसूनन, मानसूनल रीजन हो, जहां पे आप क्या कह सकते हो, यानी मानसून वाला क्षेत्र है, तो स्मॉल एम। स्मॉल एन का मतलब आप क्या लोगे, ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा तुषार, जहां पर बहुत ज्यादा कोहरा, धुंध, फोग पड़ता हो, वहां पर आप स्मॉल एन ले सकते हो। स्मॉल एस का मतलब है ऐसा जहां पे गर्मियों में बारिश ना हो, समर ड्राई, यानी आप क्या कहोगे, ऐसा क्षेत्र जहां गर्मियां सूखी निकल जाती हो, वहां पर समर ड्राई। और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, ऐसा एक क्षेत्र जहां पे सर्दियों में बारिश ना होती हो, विंटर ड्राई। तो ये आपने समझ लेना है कि मैंने क्या बताया, ए बी सी डी आपके टेम्परेचर बेस्ड हैं, एफ मीन फुल रेन, जी मीन ग्रीष्म ऋतु से पहले वर्षा ऋतु, और एच स्मॉल एच मीन, सॉरी मैं ये स्मॉल जी मीन वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, शायद यही बोला था मैंने पहले भी। स्मॉल एच मीन हॉट, सब कैपिटल एच मीन हिली एरिया, स्मॉल आई मीन क्या है कि जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आपका 5 या 5 से कम रहता हो। स्मॉल एम का मतलब है मानसूनल रीजन हो, तो स्मॉल एम लगा सकते हो। स्मॉल एन का मतलब है तुषार क्षेत्र, जहां पे धुंध, कोहरा, फॉग बहुत ज्यादा हो, और स्मॉल एस मीन समर ड्राई, और स्मॉल डब्ल्यू मीन है विंटर ड्राई। तो इस तरीके से इसने कुछ वर्डिंग ली थी, इन सबको हमने यूज करना है कहाँ पे, एक मैप के अंदर जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम कहाँ कहाँ पे, एक बार हम कोपेन के अकॉर्डिंग समझेंगे, फिर हम कुछ अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ शायद हम यहाँ पर ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको साफ कर रहा हूँ, तो आपने इसको समझना है, देखिए क्या रहेगा।
मैं एक बार इंडिया के ऊपर इसको अप्लाई कर रहा हूँ, इंडिया के बाद में आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे सपोज मैं इसको एक एज एक रफली हमारा इंडिया का मैप बनाने की कोशिश है। ये मान के चलिए एक बार हमने इंडिया का मैप बनाया, और इंडिया का मैप बनाया और इसमें हमने क्या देखा, आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर आपका परमाफ्रॉस्ट रीजन है, आपका एक पोलर क्लाइमेट पाई जाती है, इसलिए मैं समॉल सॉरी कैपिटल ई ले रहा हूँ। कैपिटल ई मीन ध्रुवीय जलवायु है, पोलर क्लाइमेट है, यहाँ पे मैंने दिखाया है। अब देखिए जो आपका पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, इस तरीके से मैं ये पोर्शन ले रहा हूँ, इस एरिया में आपका टेम्परेट है, हमारे सर्दियों में बारिश नहीं होती है, और जब बारिश होती है तो उससे पहले ग्रीष्म ऋतु आती है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, CWG। तो आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CWG। सी क्यों लगाया, क्योंकि टेम्परेट रीजन है। स्मॉल डब्ल्यू क्यों लगाया, सर्दियां सूखी हैं, विंटर ड्राई। और स्मॉल जी क्यों लगाया, क्योंकि आपका वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, अब देखिए आप एक बार यहाँ पे, और इस एरिया में अगर हम देखें जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे DFC। डी क्यों लगाया गया, डी इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे शीतार्द्र जलवायु, यहाँ पर तापमान सर्दियों में तापमान -3 से नीचे चला जाता है। स्मॉल एफ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, फुल रेनफॉल है। और स्मॉल सी क्यों लगाया, क्योंकि शीतकाल लंबा है, ग्रीष्म ऋतु छोटी है, तो DFC इसलिए लगा। अगर मैं राजस्थान वाला जो हमारा थार मरुस्थल है, अगर इसकी बात करें, आपको बताइए हमारा अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन के जो वेस्ट का जो एरिया है, पश्चिम साइड का जो एरिया है, यहाँ पर थार डिजर्ट है, जबकि आपका अरावली के पूर्व की तरफ आपका क्या स्टेपिक क्लाइमेट है। तो इसके पूर्व का जो रीजन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच, स्मॉल डब्ल्यू। बी क्यों लगाया कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर देखिए उष्ण कटिबंध शुष्क यानी ड्राई यानी ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पर इवेपोरेशन मैक्सिमम होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा है, रेनफॉल बहुत कम है, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। कैपिटल डब्ल्यू क्यों लिया, गोल्ड डिजर्ट, क्योंकि ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना हमेशा ही जो आपका बी रहेगा, बी के साथ आप क्या लगाओगे, या तो बी के साथ आपका कैपिटल डब्ल्यू लगता है या कैपिटल एस लगता है। कैपिटल डब्ल्यू लगा, इसका मतलब वहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम है, जबकि कैपिटल एस लगता है तो इसका मतलब आपका है कि वहां पर रेनफॉल 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच है, सेमी एरिड है, अर्ध शुष्क है, या आप कह सकते हो उसको स्टेपी क्लाइमेट है। तो अरावली के पश्चिम साइड में पूर्ण रूप से मरुस्थल है, तो आप कह सकते हो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, यानी बी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे गोल्ड डिजर्ट है, समोल एच का मतलब है हॉट है, और समोल डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई है, कि सर्दियां तो सूखी चली जाती है, अगर जो 25 सेंटीमीटर से कम भी रेनफॉल होता है तो वो आपका गर्मियों के दौरान होता है, सर्दियां सूखी होती हैं। अगर मैं अरावली पर्वत के इस एरिया की बात करूं, पूर्व की बात करूं, इस एरिया में आपकी अगर देखी जाए जो क्लाइमेट रहेगी कोपेन के अनुसार, BSHW की, बी तो इसलिए क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा है, किंतु यहाँ पर रेनफॉल है वो 25 से 50 सेंटीमीटर है। समोल एच क्यों लिया गया, क्योंकि हॉट है, और समोल डब्ल्यू क्यों लिया गया, क्योंकि विंटर ड्राई है, इसलिए। जबकि अगर मैं बात करता हूँ इस एरिया की, आपको पता है ये मानसूनल है आपका रीजन, जो पश्चिम घाट है आपका सादरी है, यहाँ पर क्योंकि इक्वेटर इक्वेटर से नीचे है, इसलिए ए तो इसलिए लग गया क्योंकि इक्वेटर से नीचे है, सॉरी इक्वेटर क्या, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से नीचे का भाग है, क्योंकि आपको पता है ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है, इससे नीचे का भाग उष्ण कटिबंध में आता है, ए तो हमने इसलिए लगाया एक के साथ, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आती है और यहाँ पे बारिश करती हैं, तो वो आपकी मानसूनल है, तो AM इसलिए लगाया। तो पश्चिम घाट के लिए कोपेन महोदय ने AM जलवायु ली है। जबकि जो हमारा ये अगर बात करें
कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर कोपेन महोदय ने क्या बताया था कि इस एरिया में ए तो इसलिए लगाया क्योंकि ये इक्वेटर से सॉरी इक्वेटर के पास पड़ता है या कर्क रेखा से नीचे है, ट्रॉपिकल एरिया है। समोल है इसलिए लगाओगे क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है, जबकि यहाँ पर बारिश किस में होती है आपकी, सर्दियों के दौरान होती है, समर ड्राई होता है, सर्दियों में बारिश होती है इसलिए समर ड्राई। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो पोर्शन है अंदर का जो मैंने बताया, यहाँ पे रेनफॉल घटते घटते कम हो जाएगा, यहाँ पर रेनफॉल यानी कोपेन क्या कहेंगे, जो अंदर वाला पोर्शन है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल पोर्शन है, अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र है, इस एरिया में आपका क्या रहेगा, बी एस एच डब्ल्यू, क्योंकि स्टेपी क्लाइमेट की है, टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल 25 से 50 सेंटीमीटर है और हॉट है और विंटर ड्राई है, जबकि ये जो पोर्शन बचा हुआ है आपका, ये आपका सवाना तुल्य जलवायु है, ए डब्ल्यू कहोगे आप। ए क्यों, क्योंकि आपका कर्क रेखा से नीचे है, और स्मॉल डब्ल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर बारिश होती है तो आपकी तो कब होती है, गर्मियों में होती है, इसलिए विंटर ड्राई। तो ये कोपेन का ऐसा माना हुआ था, इसलिए आपने ये याद करना है एज इट इज एक बार कोपेन के अनुसार। किंतु अगर ये हमें याद पेपर की दृष्टि से ये याद करना है, वैसे हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे उसने कहा हम ये कहें कि इसने अरावली पर्वत है आपका पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है तो एच लगना चाहिए था, एच मीन हिली, आप लगा सकते हो ये हिली है, किंतु कोपेन ने यूज नहीं किया क्योंकि वो पूरी पृथ्वी पे नहीं घूमे हुए थे, तो उन्होंने जहां जहां पे कहा कि अगर होता है ऐसा तो आप लगाइए, हम ये भी बोल सकते हैं, किंतु एग्जाम में हमारे वाला नहीं आएगा, कोपेन का आएगा, इसलिए आपको पता हो। अब कोपेन ने आपका वेस्टर्न घाट पे एम माना है, आपको पता है इस रीजन पे टेम्परेचर डिफरेंस 5 या 5 से कम होता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम आई का यूज कर सकते हैं, AMI, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है हमने। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे वर्डिंग है, अब जैसे DFC लगाया हुआ है, आप यहाँ पर एच लगा सकते हो, यहाँ पर एच लगा सकते हो, यहाँ पर ई के साथ आप एच लगा सकते हो, ई के साथ कैपिटल डब्ल्यू भी लगा सकते हो क्योंकि वॉल डिजर्ट है, यहाँ पे रेनफॉल आपका 25 सेंटीमीटर से कम होता है क्योंकि शीत मरुस्थल है, किंतु ये आपने ध्यान रखना है कैपिटल एच क्यों लिया, क्योंकि हिमालयन माउंटेन है, एच मीन कैपिटल एच मीन माउंटेन एरिया हिली पोर्शन, ये आपने ध्यान रखना है, किंतु आपको कोपेन का जरूर याद हो कि कोपेन ने क्या माना था। इसी हिसाब से मैं एक बार वर्ल्ड के ऊपर और आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट में कवर करवा देता हूं, तो देखिए क्या रहेगा, तो मैं इसको एक बार साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, तो इसके ऊपर हम वर्ल्ड के ऊपर जब इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। कोशिश करनी है कि थोड़ा सा एज इट इज मैप बने हमारा। इस तरीके से यहाँ पे कुछ देश हैं जैसे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे जो भी इस तरीके से पपुआ न्यू गिनी, कुछ बहुत सारे आइलैंड कंट्री हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये आपका इक्वेटर है तो आपका यहाँ पे AF लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर है, फुल रेन हो रहा है, AF लगेगा। जब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से जाएगी लाइन, तो यहाँ पर आपका B, यहाँ पे आपका B, यहाँ पे आपका B, सेम इतना ही अगर आप नीचे आओगे तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पर बी, क्योंकि आगे आपका जल है, तो अब बी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सोनोरोन मोजावे द ग्रेट बेसिन चीफ हुआ डिजर्ट है, बी बी आपको पता है जेरोफाइटस यानी मरुद्वीप,
यहाँ पे सहारा डिजर्ट है, यहाँ पे थार का डिजर्ट आ जाएगा इंडिया का। नीचे आए आओगे तो अटाकामा डिजर्ट, इस साइड में आओगे नामिब डिजर्ट, इस साइड में कालारी डिजर्ट, आगे आपका फिर कुछ पोर्शन यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन आएगा, और इस तरीके से आपका, क्योंकि इसको ऑस्ट्रेलिया को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना देता हूँ, तो ये ऐसे जाएगा। तो आपको पता है द ग्रेट बेसिन, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, पनामी, ग्रेट विक्टोरिया, ये कुछ यहाँ पे डिजर्ट हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही आप सी की तरफ जाओगे। अब सी पे यहाँ पे आए तो आप सी पे यहाँ फिर चलिए, यहाँ पे चलोगे तो आपको पता है ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। सी यहाँ पे लगाइए, सी यहाँ पे लगाइए, सी यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, सी यहाँ पे लगाइए। सी क्यों लगा? 30 से 42 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 30 से 42, आप 45 तक भी मान सकते हो, 30 से 42 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर का जो रीजन है महाद्वीपों के पश्चिम साइड का, तो वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जिसको सीएस कहते हैं। ये जलवायु आपके खट्टे फलों के लिए जानी जाती है। और आपको पता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, आपके माइंड में रहेगा ओनली भूमध्य सागर में नहीं, इस अक्षांश पे आप नॉर्थ एंड साउथ में जाइए और महाद्वीप के पश्चिम में सी एस, ठीक है ना? तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आपका डी, यहाँ पे डी, ये डी, अब नीचे जाओगे तो कोई आपके जगह खाली है क्योंकि समुन्द्र है, ऊपर जाओगे आपका ई, नीचे आओगे तो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है ई। तो क्या देखा आपने कि जितना हम ऊपर जा रहे हैं सेम आपका नीचे भी आपको मिल रहा है। इस तरीके से इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को देने की कोशिश की है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो इसमें मैंने बेसिक सी बातें बताई हैं जो आपको याद रखनी है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बाय कोपेन ये कैसा है, इंपेरिकल है जो स्टैटिकली डाटा और ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित होता है, थार्नवेट का भी इंपेरिकल था, इन्होंने जब पब्लिश किया 1900, फिर 1918, फिर 1931, फिर 1953, ठीक है, कि इसके ऊपर आधारित था, कैंडोल के वेजिटेशन क्लासिफिकेशन पे था, 1874 में इन्होंने दिया था, किसने, कैंडोल ने, उसको बेस मान के इन्होंने दिया था। इन्होंने 5 बड़े डिजिट लिए थे ए बी सी डी ई, और बी के साथ कैपिटल डब्ल्यू लगेगा, कैपिटल एस लगेगा, जबकि कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि आपके स्मॉल ए आएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है, फिर आपका कैप स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, कैपिटल एच, ये चीजें मैंने बताई थी आपको, स्मॉल आई, स्मॉल एन, स्मॉल एम, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस, तो वो वर्ड का किस किस तरीके से यूज करते हैं, इस सभी को आपने जब इंप्लीमेंट करोगे तो पूरे वर्ल्ड पे आपने ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है आपका ए डब्ल्यू किसके तुल्य मानी जाती है, सवाना तुल्य जलवायु मानते हैं जो आपके अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, और वही क्लाइमेट हमारे इंटरनल जो इंडिया का पोर्शन है यहाँ भी है, ए डब्ल्यू, डबल स्मॉल डब्ल्यू मीन विंटर ड्राई है, और कैपिटल ए मीन आपका ट्रॉपिकल एरिया है, तो इसको आपने समझना है। ऐसे ही मैंने इसके इंडिया के ऊपर अप्लाई किया है, तो आपने अच्छे तरीके से समझना है, जो आपके यूजी, पीजी, एचपीएससी, आरपीएससी, यूजीसी, एनटीए, नेट में बेहद ही महत्वपूर्ण रहता है। इसी के